तो बच्चा सुनो, सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन मोशन। क्या पढ़ा था? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब चलना, ठीक है जी। और रोटेशन मतलब घूमना। घूमना। गुड। रोटेशन, घूमना। लेकिन घूमते किसके अबाउट हैं हम लोग? एक्सिस के एक्सिस पे। हाँ, गुड, शाबाश। घूमते हमेशा। हो गया। हाँ जी बच्चा, सिलेबस खत्म हो गया। कंपटीशन वालों का मैं अलग से लगाऊंगा, ठीक है जी। आपके दो दो बैच लगाऊंगा बच्चा मैं, ठीक है जी। कंपटीशन वालों के, एक सुबह एक शाम, किसी एक्सिस के बाबू। इस एक्सिस का बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब फंडा क्या है बच्चा इसमें कि हम पढ़ते थे इनर्शिया, पढ़ा था हम लोगों ने, याद है? इनर्शिया इनर्शिया किसका मेजर था? मास का मेजर था ना बच्चा। मैं बोलता था इसका इनर्शिया ज्यादा है, मतलब उसका मास ज्यादा है, ठीक है जी। इनर्शिया मास का मेजर था। तो अगर कोई हैवी बॉडी है उसे चलाना है तो फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड थी, ठीक है जी। वैसे ही जब हमें किसी चीज को घुमाना होता है ना, किसी चीज को घुमाना है तो हमें फोर्स नहीं, हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है। एक नई टर्म आ रही है, टॉर्क। टॉर्क क्या है? बेसिकली घुमाने वाली फोर्स, मान लो एक तरह से, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए खाली फोर्स चाहिए, घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए, ठीक है जी। जैसे एफ इजिकल टू, हमने एम ए पढ़ा था ना बच्चा, मास ज्यादा तो फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा थी उसको चलाने के लिए। और वैसे ही अगर किसी बॉडी को घुमाना है, किसी बॉडी को घुमाना है तो ये डिपेंड करता है किसी एक नई चीज पे, जिसका नाम क्या है? तो टॉर्क तो है। टॉर्क डिपेंड करता है किस पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब ये चीज नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो अगर मान लो, जैसे आपने कभी गेट देखा है, अपना गेट देखा हुआ यस ना, सर। तो उसका हैंडल जो होता है वो गेट से दूर होता है ना, हिंज से दूर होता है। बेसिकली हिंज मतलब जहां पे उसको फिक्स कर रखा हमने गेट पे। अगर मैं उसके पास लेके आऊंगा बच्चा, ठीक है जी, तो मुझे ज्यादा कष्ट होगा घुमाने में। कभी कोशिश की है गेट के पास से घुमाने की? यस और एक बार दूर से हैंडल दूर लगाते हैं ना, ताकि हमें थोड़ा कम कष्ट हो घुमाने के लिए। वैसे ही तुमने कभी सिलेंडर घर में आता है, कभी उठाया सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर, यस यस सर। तो उसको रोल करके ले आते हैं। दो तीन तरीके होते हैं रोल करके ले आने के, ठीक है जी। एक तो तुम क्या करते हो, उसको रोल घुमा घुमा के ले आते हो ऐसे, और एक तुम ऐसे हाथ से, कई बार लोग ले आते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। यस सर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं घुमाने के। एक तो तुम उसे धक्का मार के लिटा के, बेसिक लिटा के घुमा के ले जा रहे हो, ठीक है जी। एक ऐसे ऐसे करके लोग ले आते हैं। किसमें ज्यादा कष्ट होता है? कष्ट तो ऑब्वियसली बात ऐसे ऐसे घुमाने एक्चुअली वाले पे होगा, ठीक है जी, मानते हो। तो बेसिकली मतलब क्या है कि घुमा सेम बॉडी को रहे हैं, लेकिन उसके घुमाने के तरीके पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास कष्ट कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है जी। तो अब डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है बेसिकली? कष्ट क्या है? कष्ट घुमाने का, कितना कष्ट हमें होगा घुमाने में वो कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पढ़ लें इसको बच्चा। चलाने के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, भाई चलाने में कितना कष्ट होगा वो बताता है मास। घुमाने में कितना कष्ट होगा वो कौन बताएगा बच्चा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चा। बात चमक रही सबको? यस सर। अब इसको डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है जी, और पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस। इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस।
तो अगर एक्सिस बदलोगे बच्चा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाता है किसके लिए, अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस बदलने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मैं MOI लिख रहा हूं, स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बदल जाए, ठीक है बच्चा। अब इसे डिफाइन करते हैं। लिख लिया गरिमा जी? यस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास के लिए माउंटेन कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमारे को, एक्सिस चाहिए। किसके अबाउट में माउंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो ये एक्सिस ऐसे है, ये एक्सिस है, इसे मैं लिख रहा हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, पॉइंट मास का। मान लो पॉइंट मास ऐसे है, तो मुझे करना क्या होता है बच्चा, इस मास से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर कहाँ डालेंगे, एक्सिस रोटेशन पे। ये दूरी क्या कहलाएगी, आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं बच्चा किससे है, सिंबल यूज करते हैं इसके लिए बच्चा आई, आई सिंबल यूज करते हैं इसके लिए। तो इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, वो क्या आता है, सिंपल प्रोडक्ट है किसका, मास का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस इनटू स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास का जो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर आएगा। बात चमकी? यस यस। अब मान लो ये तो एक मास है, बहुत सारे मास हो तो उनका समूह जाएगा। वेरी गुड। मान लो एक और मास है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक मास ले लिया M2, ये मास था M1, इसकी दूरी क्या थी R1, इसकी दूरी क्या है मेरे पास R2। तो जो I आएगा वो क्या आएगा, समेशन आएगा, क्या आएगा, समेशन यानी जोड़। ये सिंबल यूज करते हैं किसके लिए, जोड़ के लिए, किसका, एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। बताता हूँ कैसे, देखो पहले वाले कितना आएगा, एम वन दूरी कितनी है आर वन का स्क्वायर प्लस दूसरा मास उसके दूरी का स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आ गया। बात चमक गई? यस सर। यस। अब एक मैं सिंपल सवाल दे रहा हूँ जिससे आपको फील आ जाएगी, ठीक है जी। सवाल तो क्या है, पहले पॉइंट लिख लो इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि आई डिपेंड किस पे करता है, आई डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन। बेसिकली क्या ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, लेकिन आई नहीं, डिस्टेंस पे भी। तो उसे बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द, मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस। जैसे वो एग्जांपल दिख रहा बच्चा आपको, ये वाला ऊपर जो दिख रहा है एग्जांपल, ये फिगर, इसमें मैं क्या करता, अगर मान लो इस M2 को शिफ्ट कर देता, मान लो यहाँ पे, तो इसकी दूरी बढ़ जाती है बच्चा, मानते हो? Yes। और इस M1 को मैं पीछे ले गया मैं, तो दूरी बढ़ जाएगी। तो मास तो दोनों में सेम है, दोनों सिचुएशन में मास तो सेम है, लेकिन मास की डिस्टेंस बढ़ गई तो आई बढ़ जाएगा बच्चा। Yes, sir। तो वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब मास कैसे रखा हुआ है एक्सिस के अबाउट, ठीक है जी, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है उस पे डिपेंड करता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात चमक गई? Yes, sir। Yes, sir। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कैसे, मास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ओनली मास।
अब एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल सा, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से आपको फील आ जाएगी होपफुली। मान लो ऐसे कोई एक्सिस है मेरे पास, ये तीन एक्सिस दिख रही हैं आपको, ठीक है जी, एक्स वाई और जेड, ये वाली एक्स, ये वाली वाई और ये वाली जेड। अब मेरे पास तीन मास है, मेरे पास तीन मास है, एक रखा हुआ है 1 kg वाला, ये मास 1 kg का है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 0, 0, और एक मास रखा हुआ है यहाँ पे, इसका मास है 2 kg और इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 0, 2, 0, और एक मास रखा हुआ यहाँ पे 3 kg, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0, 1, ठीक है बच्चा, यहाँ तो समझ में आ गया? Yes, sir. अब मुझे बताओ बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फाइंड MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चा, क्या आप निकाल पाओगे इन तीनों का? Yes, sir. चलो करो ट्राई, फिर बताओ मुझे क्या आंसर। कुछ लोगों का आंसर आ गया वैसे, बट आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। महिमा जी का सही है, हरमन जी थोड़ी सी गलती है, सुधार लो, खुशबू जी थोड़ा से पास, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपके आंसर में। हाँ जी गणेश, आंसर नहीं आया आपका बच्चा, महिमा का सही है भाई, सिर्फ लाल मेरा चार आंसर है, चार में तीन गलत हैं, एक सही है महिमा का बस। टू के जी का सही बोल रहा है बच्चा, टोटल सिस्टम को निकालना ना, गणेश सही है, गुड, गणेश का भी सही है। अंश बाबू अंश किया क्या सर, आज अंश है ही नहीं शायद से, आया था अभी तो चला गया लगता है, मैंने एडमिट किया था उसको भी यार। चलो चलो करें फिर इसको बच्चा, चलो एक टेबल बनाओ फटाफट, जैसे मास लिखा मैंने, एक साइड मास लिख रहा हूं और एक साइड क्या लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। बताओ मुझे मास 3 kg या कौन सा 1 kg था, 1 kg कितनी दूरी एक्सिस से, 1 kg तो एक्सिस पे ही है मानते हो, yes, sir, zero. तो जीरो आ जाएगा, 1 kg तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो उससे दूरी कितनी होगी उसकी, जीरो मानते हो सब लोग, जीरो, yes, sir. और अगर मैं बात करूं 2 kg की, 2 kg की दूरी कितनी है, टू दे रखी बच्चा, दिया हो ना, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, तो ये दूरी जो बच्चा है ये कितनी है, ये 2 दे रखी है बच्चा, तो मतलब एक्सिस दूरी कितनी है इसकी, 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। बात करूं 3 kg की, 3 kg की दूरी कितनी है एक्सिस से, 1, तो ये 1 आ जाएगा। आना बोलो सबको आ रहा है भाई, yes, तो अब आई निकालना है, तो पहले वाले का तो 1 × 0 का स्क्वायर, yes, sir, 0 प्लस दूसरे वाले का क्या आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, मास पता है, डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 3 वाले का डिस्टेंस 1 है, तो कितना बन गया ये 0
प्लस एट प्लस थ्री यानी 11 आ रहा है। 11 केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सॉरी एम आर स्क्वायर ना बच्चा, बात चमक गई? यस सर। ठीक है, तो ऐसे सवाल कर सकते हो, खास बात तो नहीं है। यस अब एक काम करते हैं, कुछ चीजें हैं जो कर लेते हैं हम लोग, रॉड का निकालते हैं। अब तक तो क्या था मेरे पास, पॉइंट मास थे, क्या थे अब तक? पॉइंट मास का निकाला हम लोगों ने। अगर पॉइंट मास ना हो, कोई मेरे पास कंटिन्यूस बॉडी हो, क्या हो? कंटिन्यूस बॉडी हो तो कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यूस बॉडी जैसे मतलब क्या है, जैसे मास लगातार हो। ठीक है जी, तो जैसे रॉड बना दूं मैं, एक रॉड देखिए तुमने कभी जीवन में? यस सर। तो ये रॉड है मान लो, ठीक है जी, ये रॉड है, इसका मास दे रखा है बच्चा क्या, मान लो एम दे रखा है और लेंथ इसकी एल दे रखी है। ठीक है बच्चा, तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं किसका जानते हैं, एम ओ आई का, किसके लिए? पॉइंट मास के लिए जानते हैं हम लोग, पूरी बॉडी के लिए नहीं जानते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रॉड को इनफाइनाइट पॉइंट मास में तोड़ना पड़ेगा। यस तभी कर पाएंगे। तो अगर मैं रॉड को तोड़ता हूं इनफाइनाइट मास में, तो इसका मास कितना आएगा, डीएम बोलेंगे ना, जैसे मान यस मान लो ये रॉड है, इसको तोड़ रहा हूं मैं बहुत सारे इनफाइनाइट हिस्सों में, तो जो इनफाइनाइट हिस्से हैं मेरे पास उनके मास की वैल्यू क्या बोलूंगा बच्चा, मैं डीएम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डीएम। ठीक है जी, अब मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, एक्सिस ढूंढनी है। भाई एक्सिस किसके ऊपर पूछ रहे हो आप? तो मान लो एक्सिस दे रखी है मैंने, गलत बन जाएगी, मान लो ये एक्सिस ऐसे, ये एक्सिस दे रखी है, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं डीएक्स। छोटा एलिमेंट क्यों ले रहा हूं उसमें सर? क्योंकि कंटीन्यूअस बॉडी हमने छोटे छोटे में तोड़ लिया, छोटे मास में। हाँ, तो ये जो छोटा मास है बच्चा देखो, इसको मैं क्या बोल दूं, डीएम बोल दूं? हाँ ना बोलो। यस अब बताओ इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा चारू, इस डीएम मास का एमओआई कितना आएगा? डीएम इनटू डीएक्स स्क्वायर। नहीं डीएक्स दूरी थोड़ी है, एक्सिस दूरी कितनी है? डीएम इनटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। हाँ देखो, आप तो उसकी उसकी खुद की विड्थ ले लिया आपने, आपको लेना क्या है बच्चा, उसकी उस मास की एक्सिस से दूरी लेनी है। गुड हरमन जी, तो डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा अब अगर मैं मास इधर लेता मान लो कहीं पे, ये भी डीएम मास है बच्चा मानते हो, क्या इसकी दूरी सेम है क्या एक्सिस से? नो सर। नो सर। तो दूरी बदलती रहेगी, तो एक्स वेरिएबल है डीएम से। हाँ तो बच्चा एक बात, इंटीग्रेशन करें। हाँ अब तो मुझे सबका जोड़ना है, देखो मुझे पहले मैं करता क्या था, मैं करता था एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर, ये करता बच्चा मानते हो, सब कुछ जोड़ता था ना। तो इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, जोड़ना ही होता है इंटीग्रेशन का काम, मानते हो? तो मुझे अगर एक एलिमेंट का पता लग गया तो उस, इसको डी आई बोल दू, छोटा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अगर मुझे जोड़ना है दोनों साइड सांप लगा दू, दोनों साइड सांप लगा दू तो बात बन जाएगी, मानते हो? चलो अब मुझे डीएम की वैल्यू निकालनी है, डीएम की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालू
यूनिटरी मेथड से. यूनिटरी मेथड, गुड, शाबाश. रॉड की लंबाई कैपिटल एल थी, तो उसका मास कितना था बच्चा? एम था, कैपिटल एक होती लंबाई उसकी, तो क्या होता? एम बाय एम बाय एल. अब लंबाई कितनी है इसकी? बस खेल खत्म. अब डीएम की वैल्यू बढ़ दे यहाँ पे, सांप के अंदर डीएम की वैल्यू बढ़ देते हैं. सांप के अंदर अगर मैं डीएम की वैल्यू भर दू तो क्या आएगा? एम बाय एल इंटू डी एक्स, साथ में एक्स स्क्वायर तो था ही बच्चा, मानते हो. अब लिमिट कहां तक लगानी बच्चा? तो लिमिट कैसे लगाऊं मैं? जीरो से एल. देखो मुझे सारे एलिमेंट का जोड़ना है. एक तो ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, और एक आखिरी वाला एलिमेंट है. सब एलिमेंट को जोड़ना है ना बच्चा. तो जो पहले वाला एलिमेंट है उसका डिस्टेंस कितना है? जीरो. और जो आखिरी एलिमेंट है डिस्टेंस कितना होगा? एल. तो लिमिट कहां तक आएगी? जीरो वाले को भी जोड़ना है और एल वाले को भी जोड़ना है. बात चमक रही है? यस यस. ठीक है. अब मुझे बताओ सांप के अंदर जो चीज कांस्टेंट होती है बाहर आ जाती है, इस एक्सप्रेशन में क्या चीज कांस्टेंट है? एम बाय एल. मास और रॉड भी कांस्टेंट है और रॉड की लंबाई बढ़ नहीं रही, सिर्फ एक्स वेरिएबल है. तो एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स कर दूं यहाँ पे, क्या कर दूं? जीरो से लेके एल. अब तो सिंपल काम है बच्चा, क्या बनेगा बताओ? एम बाय एल तो बाहर ही है, एक्स की पावर टू है ना, आप जानते हो एक्स की पावर एन. एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन. तो बच्चा ये एक्स क्यूब बाय थ्री बन जाएगा और लिमिट क्या आएगी? जीरो से लेके एल. तो एम बाय एल यहाँ पे एल क्यूब बाय थ्री माइनस जीरो क्यूब बाय थ्री, तो क्या बन जाएगा? एम एल क्यूब बाय थ्री एल. एल ने एल को मार दिया तो वैल्यू क्या आएगी? एम एल स्क्वायर बाय थ्री. बात चमकी या नहीं चमकी? यस. आ गया ना बच्चा. तो बच्चा देखो, अब मैंने एक्सिस तो ये ले रखी थी, अगर मैं एक्सिस चेंज कर देता पहले, तो ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर. चलो अब मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ बच्चा. अब मैं सवाल सेम ले रहा हूँ, रॉड तो है ही मेरे पास, बस एक्सिस चेंज कर देता हूँ. इससे आपको फील आ जाएगी कि एक्सिस चेंज करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है. मान लो एक्सिस ऐसे है, सेंटर से पास हो रही है. कहां से पास हो रही है? सेंटर से. वही रॉड है मेरे पास, एम, लेंथ एल है. अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चा. कैसे करोगे इसे? तो सिर्फ दोनों साइड का निकाल लेंगे, और मतलब एक साइड का निकाल के डबल कर देंगे. हाँ बात तो सही कह रहा है वैसे लड़का. एक तो तरीका ये है जो गणेश ने बताया, गुड गणेश. और कोई तरीका बच्चा? जैसे पहले से तो वैसे कर देंगे, बट लिमिट जीरो से एल बाय टू तक कर देंगे. जीरो से एल बाय टू कर देंगे तो आधी रोड का ही आएगा, पूरी थोड़ी आएगा. तो डबल. हाँ तो डबल कर देंगे. गुड शाबाश. देखो बच्चा सुनो, जहां से एक्सिस पास करता हो ना, वहां पे आपको क्या ओरिजिन मानना पड़ता है? क्या मानना पड़ता है? ओरिजिन मानना पड़ता है. तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखूं रॉड का, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? L by 2. और ये क्या होगा? L by 2 का बच्चा मानते आना बोलो. यस. अब फिर से वही करना है, छोटा सा एलिमेंट ले, डीएम डीएक्स एलिमेंट लिया, इसका मास आपने डीएम ले लिया, दूरी कितनी है एक्स. तो फिर से छोटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा?
डीएम इनटू एक्स स्क्वायर। डीएम की वैल्यू क्या लो बच्चा? एम बाय एल इनटू डीएक्स। वेरी गुड, इनटू एक्स स्क्वायर। अब जोड़ना देखो, जोड़ना कहां से कहां तक है, मुझे ये एलिमेंट भी जोड़ना है। माइनस एल बाय टू से एल बाय टू। हाँ, मुझे यहां से लेके सारे हम जोड़ने हैं, तो लिमिट क्या आएगी? माइनस एल बाय टू से लेके एल बाय टू। या फिर आप ऐसे करते हो जैसे गणेश ने बोला मुझे कि एम बाय एल डी एक्स एक्स स्क्वायर जीरो से लेके एल बाय टू, मतलब आधे रोड का निकाल लिया, उसका डबल कर दो। या तो ऐसे सॉल्व कर लो या ये वाला तरीका। बात चमक रही है? Yes. तो ये m by l बाहर आ जाएगा मेरे पास, अंदर क्या बच गया मेरे पास? x क्यूब बाई थ्री बच जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो। आना बोलो। माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, तो भाई m by l तो बाहर है ही, तीन भी बाहर ले आता हूँ, अंदर क्या बचेगा? ऊपर लिमिट l बाय टू का होल क्यूब करूंगा, l बाय टू का होल क्यूब तो l क्यूब आ जाएगा, टू का क्यूब करूंगा तो एट आ जाएगा बच्चा, मानते हो? हाँ ना बोलो। यस। माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस l बाय टू का होल क्यूब, तो बच्चा क्या बन जाएगा अगर मैं ढंग से देखूं इसे, तो m by 3l एल क्यूब बाई एट, ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस एल क्यूब बाई एट। तो पाप तो नहीं किया मैंने इसमें? नो सर। अच्छा तो क्या बन गया ये? टू एम एल क्यूब बाय 24 बन जाएगा एल। अब 12 कट जाएगा, दो से 12 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, मतलब एक एल तो टू, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ रहा है। बात चमक रही सबको? yes, तो देखो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, मैंने एक्सिस बदली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, मानते हो? जब एक्सिस कोने में थी तो क्या आया था? एम एल स्क्वायर बाई थ्री आया था, ठीक है जी। जब मेरी एक्सिस बीच में आ गई तो क्या आया मेरा? एम एल स्क्वायर बाई 12 आया। ज्यादा किस में आया? जहाँ पे एक्सिस कॉर्नर पे थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉर्नर पे है तो मास दूर दूर होंगे, देखो सिंपल सी बात है, मानते हो? बीच में होगी तो मास की दूरी कम कम आएगी ना एक्सिस से दूरी, और कोने में होगी तो मास से दूरी ज्यादा आएगी, ठीक है बच्चा? यस सर। चलो ये हो गया है रॉड का फंडा, ठीक है जी। बेसिक फंडा एक एग्जांपल दूं, डंका करोगे? जय पूछ चुकी है, सवाल दूं या कंपटीशन में कराऊं? खाली चलो कंपटीशन में करा देंगे, छोड़ो। अब बात करते हैं रिंग, बात करते हैं किसकी? रिंग की। रिंग देखिए बच्चा आप लोगों ने, हेलो तो बच्चा रिंग मैं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है जी, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के बाद जो सेंटर से पास हो रही है, इस एक्सिस के बाद जो सेंटर से पास हो रही है। उसका मास मान लेते हैं आप m है, और रेडियस मान लेते हैं बच्चा आर है, ठीक है बच्चा? तो बच्चा आप थोड़े कॉमन सेंस लगाओ आप लोग, ठीक है जी। एक मिनट दे रहा हूं, और मुझे बताना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा।
बोलो भाई। No one says anything. सर होगा तो वैसे ही बस अब हम इस बार हम लिमिट चेंज कर देंगे 0 से 2 पाई आर mr square by 8 ओके थोड़ा दिमाग तुमने लगाया नहीं वैसे लगाते तो थोड़ा बन जाता। महिमा जी आप बोलो। सर अभी कर रही है। कर रहे हैं चलो कर लो कोई बात। mr square by 2 बोल रहे हैं कुछ mr square by 8 बोल रहे हैं कुछ mr square 4 बोल रहे हैं। फोर आएगा पक्की बात है। पक्का तो नहीं सर पक्का नहीं अभी। चलो ठीक है चलो देखते हैं बच्चा सुनो तुम लोग दिमाग घर छोड़ के आए सारे सुनो इधर बता दूं बच्चा या वेट करूं। सर एक मिनट वेट। चलो वेट कर बस एक सेकंड कर लो एक मिनट दिया तुम्हारे को। हाँ जी बता दूं अब बता दो सर। चलो बताया तो सब लोग दिमाग से बहुत ज्यादा पैदल हैं ठीक है जी जस्ट किडिंग यू आर स्मार्ट इनफ। देखो मान लो ये रिंग दिख रही है ये इधर का देखो ये एक्सिस है मान लो जो इसके सेंटर से मान लो पास हो रही है ऐसे ठीक है जी। तो ये इतना इतना देखो रिंग क्या सबकी दूरी सेम है सारे मास की बच्चे मानते हो एक्सिस से कितनी दूरी आ रहा है ना। तो अगर मैं सिंपल सा फंडा में तो बता रहा हूं मैं कि अगर मैं ये डीएम लेता हूं मान लो इस डीएम की दूरी भी आ रहा है इस डीएम की दूरी लूं वो भी आ रहा है इस डीएम की दूरी लूं ये भी मेरे पास आ रहा है तो सारों की कितनी दूरी है आ रहे ना बच्चा yes, मानते हो तो फिर सबको इंटीग्रेट करना बच्चा क्या करना है डीएम इनटू आर स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो आर स्क्वायर कांस्टेंट अंदर क्या बच गया डीएम डीएम का इंटीग्रेशन क्या बनेगा डीएम का इंटीग्रेशन नहीं बनेगा यार mm. तो बस सिंपल है तो एम आर स्क्वायर बन जाएगा yes, sir. इससे आसान काम जीवन में कुछ हो नहीं सकता था ठीक है जी बात चमक गई yes, चलो तो रिंग का तो बहुत आसान है बच्चा सारे मास सेम दूरी पे हैं ठीक है चलो एक और दूर से मिलता था yes, sir. अब दिमाग लगाना थोड़ा दिमाग लगाना ठीक है कॉमन सेंस है ऑल्दो रेयर सेंस है। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है होलो सिलेंडर है जैसे तुम्हारा दिमाग कैसा है होलो है या सॉलिड है तुम्हारा दिमाग बताओ भाई तुम्हारा दिमाग सॉलिड है होलो है सॉलिड है चल ठीक है लोगों को गलतफहमी बहुत है एक मिनट रुको ये मेरे पास होलो सिलेंडर है निकालो इसका मास एम दे रखा है रेडियस मतलब आर दे रखा है निकालो बच्चा एक बार
सवाल ही गलत पूछे सर ने तो एक्सिस कहाँ पे है तो बताता हूँ, एक्सिस तो यही है सेंटर से पास होगी बीच में से टक 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 yes. ये मेरी क्या है एक्सिस और रोटेशन है, अब दिमाग लगा लो जी, बोलो भाई क्या आ रहा है? चारू गुड, शाबाश, वेरी गुड, ब्रिलियंट, खुशबू वेरी गुड, ब्रिलियंट बच्चा, दिमाग लगा रहे हो मतलब तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा हॉलो नहीं है, तुम्हारा सॉलिड है, ठीक है जी। और कोई नहीं आया सर, फोन लग गया। चलो भाई करें, बताऊं बच्चा? यस सर। मान लो ये सिलेंडर था, मान लो ये सिलेंडर था, इसको पिचका दूं तो क्या बनेगी? हॉलो सिलेंडर था, पिचका दूं तो क्या बनेगी? सर्कल। एक सर्कल, सर्कल बन जाएगा, रिंग बन जाएगी, मानते हो? यस सर। यस सर। तो इसको पिचकाने से क्या एक्सिस से मास की दूरी घटी बड़ी? नो सर। नहीं बड़ी। नो सर। तो इसको दबा दूं ऐसे, नहीं सिलेंडर को हाथ लगाओ ऊपर से ऐसे, ठीक है जी, और दबा दो तो रिंग बन जाएगी, तो चपटा बन जाएगा बिल्कुल ऐसे। यस सर। चपटा बन गया तो फिर वैल्यू क्या आएगी, मास पर ही आएगी फिर से। चलो भाई मीटिंग एंड हो रही है, डिवीजन कर लेना, ठीक है, एक मिनट से कम बचा। So. पता नहीं, गौरव पचास मिनट भी आए नहीं आज, जिंदगी उन्होंने नहीं आया।